अब उसके सेकंड पार्ट में हमने क्या किया कि हमारे पास कंडीशन ये थी, ए जो है वो लेसर इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ़ टी, लेसर इक्वल टू बीटा ऑफ टी और लेसर इक्वल टू बी है। ए और बी के दरमियान में अल्फ़ा ऑफ टी बीटा ऑफ टी फंक्शंस हैं, जी ऑफ टी भी इसी तरह हमने डिफ़ाइन किया। डिफ़ाइन करने के बाद हमने लिमिट अप्लाई की, लिमिट अप्लाई करने के बाद वैल्यूज पुट की, अल्फ़ा ऑफ टी किसको अप्रोच कर रहा है, बी को अप्रोच कर रहा है, कि अल्फ़ा ऑफ टी जो है लेसर इक्वल टू बी भी है तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा ऑफ टी किसको अप्रोच कर रहा है, बी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जी ऑफ टी जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, ये सारी जो है एफ़ प्राइम ऑफ बी है। ठीक है, इसको अप्रोच कर रहा है जब टी जो है अप्रोच करेगा बी को, तो इसका मतलब जी जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस है तो उसके कंटिन्यूटी में उसके डेरिवेटिव जो एग्जिस्ट कर रहे हैं एफ प्राइम ऑफ ए एफ प्राइम ऑफ बी वो किस में कंटेन करेंगे, जी ऑफ ए ऑफ बी में। ठीक है, टी नॉट एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो ए बी से बिलोंग करेगा, लैम्डा हमें पता है इसी से बिलोंग कर रहा है, ये स्टेटमेंट में बताया हुआ है। जी ऑफ टी नॉट किसके इक्वल, लैम्डा के इक्वल आएगा जब उस पर ये कंडीशन होंगी। अल्फ़ा ऑफ़ टी नॉट बीटा ऑफ टी नॉट किस में कंटेन कर रहा है, ए बी में कंटेन कर रहा है। फंक्शन एफ जो है वो भी कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है अल्फ़ा ऑफ़ टी नॉट और बीटा ऑफ टी नॉट पर। मीन वैल्यू थ्योरम को यूज़ करेंगे, उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे कि एक्स नॉट एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो अल्फ़ा ऑफ टी नॉट बीटा ऑफ टी नॉट से बिलोंग करेगा। ठीक है, इससे बिलोंग करेगा तो हम कह सकते हैं मीन वैल्यू थ्योरम के वो डेरिवेटिव जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ बीटा ऑफ टी नॉट माइनस एफ ऑफ अल्फा ऑफ टी नॉट ओवर बीटा ऑफ टी नॉट माइनस अल्फा ऑफ टी नॉट। मीन वैल्यू थ्योरम की जो स्टेटमेंट ये है कि डेरिवेटिव जो होगा अबाउट पॉइंट एक्स नॉट पे वो किसके इक्वल होगा, कि फंक्शनल वैल्यूज होंगी अल्फा नॉट अल्फा ऑफ टी नॉट बीटा ऑफ टी नॉट उनके डिफरेंस और नीचे सिंपल उनकी वैल्यूज़ का डिफरेंस होगा। ठीक है, अब ये सारा किसके इक्वल है, जी ऑफ टी नॉट के इक्वल है, ये वैसे ही आ जाएगा। तो f प्राइम ऑफ x नॉट वैसे ही g ऑफ t नॉट, ये हमें स्टेटमेंट बताया है वो क्या है, लैम्डा के इक्वल। ठीक है, ये इतना प्रूफ हो गया। नेक्स्ट छोटी छोटी दो क्रॉलरीज हैं, वो आप देख लीजिएगा, अगर समझ आ जाए तो ठीक हो, ना फिर मैं करवा दूँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।